हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्राइड। तो आज का टॉपिक है हमारा क्लास फिफ्थ का मैथमेटिक्स का चैप्टर मनी। इस वीडियो के अंदर हम सारी वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जो भी टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जिन पे बेस्ड हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी, तो वो ये सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि फाइंड द टोटल अमाउंट। तो इसमें हमें क्या करना होगा, एडिशन करना होगा, कैलकुलेट द चेंज, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो ये सारे चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है हमारा, प्रॉफिट लॉस, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो के अंदर आप डिस्कस करेंगे। वन बाय वन मैं बताती जाऊंगी आपको कि किससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पर, फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ द सेलिंग प्राइस इज ₹394 एंड द प्रॉफिट इज ₹116। तो हमारे पास यहाँ पर तीन चीजें हैं कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस वो होता है जिस पर जो भी आपका शॉपकीपर है, जिस अमाउंट पे आपको वो चीज सेल करता है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस वो होता है जिस पर उसने वो सामान कहीं और से परचेज किया होता है, और प्रॉफिट वो होता है जो उसने एक्स्ट्रा रुपीस कमाए होते हैं कॉस्ट प्राइस से। तो सिंपल आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस, द सेलिंग प्राइस एंड द प्रॉफिट, यू यूज द फॉर्मूला सीपी इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट। दैट मींस कॉस्ट प्राइस आप किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, यानी आपको पता चल जाएगा कि कितने रुपीस में उसने कोई भी सामान खरीदा था, अगर आपको सेलिंग प्राइस पता है और प्रॉफिट पता है। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस गिवन है, शॉर्ट में इसको एसपी लिखेंगे। जहां पर भी आपको बुक में एसपी लिखा हुआ दिखाई देगा कैपिटल में, उसका मतलब होगा सेलिंग प्राइस, इतने प्राइस पर शॉपकीपर ने सामान आपको सेल किया है। प्रॉफिट है ₹116। फॉर्मूला लगाएंगे अब कॉस्ट प्राइस का, सीपी इक्वल टू एसपी जो हमें क्या दिया हुआ है 394, और प्रॉफिट दिया है 116। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा आंसर आएगा ₹278। दैट मीन जो शॉपकीपर है उसने 278 रुपीज में वो सामान खरीदा था, और फिर उसने 116 का प्रॉफिट लिया, और उस सामान को 394 रुपीज में आपको सेल किया है। तो हम आंसर लिख देंगे, द कॉस्ट प्राइस इज ₹278। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ यू हैव ₹45, ₹30 एंड ₹25, हाउ मच मनी डू यू हैव इन टोटल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर आपको एडिशन करना है, टोटल अमाउंट आपसे पूछा है। टोटल मनी लिख देंगे हम और तीनों को इनको ऐड कर देंगे, तो आंसर आएगा हमारा ₹100। सो द टोटल मनी इज ₹100 इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ यू बाय अ टॉय फॉर ₹150 एंड गिव द कैशियर ₹200, हाउ मच चेंज विल यू गेट बैक। दैट मींस आप किसी शॉप पे जाते हैं कोई टॉय खरीदने के लिए, और वो टॉय ₹150 का है, और आपके पास ₹200 का नोट है, और वो आपने उसको दे दिया, तो वो आपको कितना चेंज वापस करेगा। सिंपल, जो भी आपने उसको पैसे दिए हैं माइनस करेंगे जितने का वो टॉय आपने खरीदा है। तो चेंज इक्वल टू अमाउंट गिवन माइनस कॉस्ट ऑफ द टॉय। अमाउंट है हमारा ₹200 जो हमने शॉपकीपर को दिया है, और जो हमारा टॉय है उसका अमाउंट है ₹150। 200 माइनस 150 करेंगे तो ₹50 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। देयरफॉर यू विल गेट बैक ₹50 एज। अगर आप पेरेंट हैं या फिर टीचर हैं, तो इसी क्वेश्चन को अलग-अलग वैल्यूज में करके बच्चों को दीजिए। जैसे कि इस टाइप से दे दीजिए, इफ यू बाय अ टॉय फॉर ₹300 एंड गिव द कैशियर ₹500, हाउ मच चेंज विल यू गेट बैक। तो इस टाइप से बच्चों की क्या है, प्रैक्टिस होगी। जितनी ज्यादा वो फॉर्मूला यूज करेंगे, उनको उसका वो लर्न होता जाएगा कि क्या से क्या माइनस करना है, और इस तरह से बहुत इजी वे में उनको समझ में आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, अमन बॉट 3 नोटबुक्स फॉर ₹20 ईच एंड 2 पेन्स फॉर ₹15 ईच। यानी अमन ने दो चीजें खरीदी हैं, एक तो नोटबुक खरीदी है और पेन खरीदे हैं। नोटबुक, एक नोटबुक जो है ₹20 की थी, उसने उस इसी तरह से 3 नोटबुक खरीदी हैं। पेन ₹15 का वन पेन था, ऐसे उसने 2 पेन खरीदे हैं। हाउ मच डिड ही स्पेंड इन टोटल, हमें टोटल अमाउंट बताना है। दैट मीन्स दो कैलकुलेशन तो पहले हम मल्टीप्लाई वाली करेंगे, देन उसका जो आंसर आएगा उसको प्लस करेंगे। तो टोटल कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितनी हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई ₹20, क्योंकि ₹20 की एक नोटबुक है और अमन ने कितनी नोटबुक खरीदी है, 3 नोटबुक खरीदी है। तो 3 मल्टीप्लाई ₹20 करेंगे, 3 2s are 6, ₹60 की उसने नोटबुक्स खरीदी हैं। इसी तरह से टोटल कॉस्ट ऑफ पेन निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई 15, ₹15 कॉस्ट है हर एक पेन की और उसने 2 पेन खरीदे हैं, 15 2s are 30। बस अब इन दोनों को हमें प्लस करना है, टोटल अमाउंट हमारा निकल जाएगा। टोटल अमाउंट स्पेंट इज ₹90, तो हमारा आंसर हो जाएगा सोमन स्पेंट अ टोटल ऑफ ₹90। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास यहाँ पर, रिया गेट्स ₹100 एज पॉकेट मनी एवरी वीक, शी सेव्स ₹40 ईच वीक। दैट मीन्स रिया को पॉकेट मनी के तौर पर ₹100 मिलते हैं हर हफ्ते, और वो हर हफ्ते ₹40 उसमें से बचा लेती है। हाउ मच मनी विल शी हैव सेव्ड आफ्टर 8 वीक्स। हमें सिर्फ ₹40 जो वो हर एक वीक सेव करती है इसकी जरूरत है, और 8 वीक्स की जरूरत है क्योंकि उसने टोटल 8 वीक सेव करा है। तो सेविंग पर वीक ₹40, नंबर ऑफ वीक 80, टोटल इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल सेविंग आफ्टर 8 वीक आ जाएगी। इस 100 का कोई यूज नहीं है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए दिया हुआ है कि रिया को ₹100 पॉकेट मनी मिलती थी, जिसमें कि वो ₹40 हर वीक सेव करती थी। आफ्टर 8 वीक आपको बताना है कि उसने कितने रुपए सेव किए। तो 40 मल्टीप्लाई 8 करेंगे, ₹320 उसने सेव किए। इसी तरह से आप बच्चों को क्वेश्चन बना के दे सकते हैं, कोई और नाम लिख दीजिए। सिया गेट्स ₹200 एज पॉकेट मनी एवरी वीक, शी सेव्स ₹50 ईच वीक, हाउ मच मनी विल शी हैव सेव्ड आफ्टर 10 वीक्स। तो ये डिजिट्स चेंज कर दीजिए और इस तरह से उनको अलग क्वेश्चन बना के दीजिए ताकि उनकी प्रैक्टिस होए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, अ शर्ट कॉस्ट ₹300 इफ देयर इज अ 10% डिस्काउंट ऑन इट, हाउ मच विल द शर्ट कॉस्ट आफ्टर द डिस्काउंट। एक शर्ट की कॉस्ट ₹300 है और उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट है। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ कभी जाते हैं शॉपिंग पे, तो कई बार होता है हमारे पेरेंट्स पूछते हैं कि कितना डिस्काउंट है इस पे, तो शॉपकीपर बोलता है 10% है, 20% है। तो ये वही वाली चीज है कि इतना परसेंट डिस्काउंट के बाद आपको वो शर्ट कितने रुपए की मिलेगी, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो डिस्काउंट अमाउंट 300 पे हमें है 10%, तो 10% ऑफ 300% जब भी हमारा लिखा होगा तो हम उसको बाय 100 कर देंगे। अगर 20% होता तो 20 बाय 100 लिखते, और जिस भी वैल्यू पर हमारा डिस्काउंट है उसको हम लिखेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10 10s are 100, इस 1 0 से 1 0 कट जाए, तो ₹30 का हमें डिस्काउंट मिलेगा। किस पे, 300 पे। 300 माइनस 30 करना है, ₹270 की हमें वो शर्ट पड़ेगी। सो द शर्ट विल कॉस्ट ₹270 आफ्टर द 10% डिस्काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू हैव ₹500, यू वॉन्ट टू बाय अ बुक ऑफ ₹250, अ टॉय फॉर ₹100 एंड गेम फॉर ₹200। आपके पास ₹500 हैं और आपको तीन चीजें खरीदनी है, ₹250 की, ₹100 की एंड ₹200 की। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है डू यू हैव इनफ मनी, सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा तीनों का टोटल करके कि ये सामान हमारा कितने रुपीस का पड़ता है। तो टोटल कॉस्ट हमने निकाल ली है जो है हमारी ₹550, तो यानी हमारा
ज्यादा रुपीज का है और हमारे पास 500 रुपीज है, बिकॉज 550 इज ग्रेटर देन 500। तो अब हमसे पूछा हमें कितने रुपीज की और जरूरत पड़ेगी, तो 550 माइनस 500 करेंगे तो हमें यहाँ पर 50 रुपीज की और नीड है। इफ वन चॉकलेट कॉस्ट ₹5, हाउ मच विल 12 चॉकलेट कॉस्ट। ये तो हम काफी टाइम से इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी करते आ रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ वन चॉकलेट, कॉस्ट ऑफ 12 चॉकलेट सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। अ वेंडर बायज एप्पल एट 40 पर किलोग्राम एंड सेल देम एट 50 पर किलोग्राम। तो प्रॉफिट हमें बताना है, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस करना है यहाँ पर, तो 15 रुपीज पर किलोग्राम का उसको प्रॉफिट होगा। राइट, सीपी एंड एसपी मैंने आपको पहले ही बताया था, सीपी हमारा कॉस्ट प्राइस है, एसपी हमारा सेलिंग प्राइस है। जीविका सोल्ड अ टॉय कार ₹2,250, दैट मीन्स ये क्या है, सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस होगा हमारा 3,000। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑप्शन है यहाँ पर चार ऑप्शन, इनमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। मिस्टर गुप्ता बॉट सम गुड्स फॉर ₹200 एंड सोल्ड इट फॉर 350, व्हाट वाज हिज प्रॉफिट, ₹150। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड, आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।